खंडवा जिले के मुंदी नगर में 16 मई की रात में करीबन 10:15 बजे विवाह समारोह से खाना खाकर लौट रहे राठौर परिवार के सदस्यों को अनियंत्रित आयसर ने रौंद दिया था, जिसमें राठौर परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। इस घटना के बाद दुखी परिवार को ढाढ़स बंधाने कैबिनेट मंत्री और खंडवा जिले की प्रभारी मंत्री ओषा दीदी ठाकुर, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पर्यटन विकास निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, विधायक नारायण पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल बुधवार शाम 6 बजे मुंदी पहुंचे थे। उन्होंने पीड़ित परिवार से हादसे को लेकर पूरी गंभीरता से जानकारी ली। उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्यों के गहरा दुख जताया और कहा कि इस संकट की घड़ी में मैं आपकी बहन बनकर साथ में खड़ी हूं, हमारी सरकार आपके साथ है। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने हादसे के बाद मुंदी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के दौरान बरती गई लापरवाही को लेकर गंभीर आरोप लगाए। मुंदी से नवाब खान के साथ शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। बिंदुवार मुझे मिली है भैया, सबकी कठोर समीक्षा होगी, जो लापरवाही करते पाए गए, जो नहीं मिले उनको भी दंडित किया जाएगा, और ये जो आप सब बता रहे हैं ये दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। दीदी, मुंदी हॉस्पिटल में सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है, यहाँ पर मात्र एक यही काम होता है कि छोटी मोटी चोट लगती है तो टिंचर लगा देते हैं, और इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, और प्रशासन की तरफ केंद्र चलेगा तो बहुत अच्छे से चलेगा, नहीं तो जैसे आप सबकी अपेक्षा है कि ऐसे अस्पतालों को तो बंद कर दो, यदि मुसीबत के वक्त उनका सहयोग और सहारा ना मिल सके तो। मैं पूरी कठोर समीक्षा करूंगी, हर उस व्यक्ति को दंड मिलेगा जो इस घटना में लापरवाही करता पाया गया, और जितनी कमियां यहां पर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखकर उनको शीघ्रातिशीघ्र सबको दूर करें। अनिवार्य कार्य आया तो वो गया, हालांकि उसको दंड दिया है, उसको हटाया, सस्पेंड किया है यहां से, और किसी अच्छे को लाने की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।